हाय ब्यूटी लवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू होम ब्यूटी पार्लर। फ्रेंड्स, हम गणेश चतुर्थी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं और मैंने आपको काफी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इस गणेश चतुर्थी पे। तो आज का वीडियो भी स्पेशली मैं गणेश चतुर्थी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमने गणेश जी की स्थापना कर ली है। तो अब ये जानना जरूरी है कि गणेश जी का विसर्जन करने का सही वक्त क्या है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। गणेश चतुर्थी, इस त्योहार को लोग बप्पा के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जिसके लिए लोग अपने घरों पे 7 से 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को बड़ी ही मान्यता के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को 3, 5, 7, 10 दिन के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। गौर किया जाए तो गणेश चतुर्थी के 11वें दिन विसर्जन की प्रक्रिया के बारे में तो आपको बता दें कि गणेश जी की प्रतिमा को अनंत चौदश यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित किया जाता है। शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सुबह के समय 6:08 से लेकर 7:40 तक और दोपहर में 10:45 से 3:32 के बीच शुभ समय रहेगा। दोपहर की बात करें तो दोपहर के समय मूर्ति विसर्जन का शुभ मुहूर्त 4:54 से लेकर शाम 6:27 के बीच रहेगा और शाम के समय ये शुभ मुहूर्त 6:27 से लेकर 9:22 के दौरान रहेगा। रात को अगर आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त रात 12:18 से लेकर 1:45 के बीच का रहेगा। तो दोस्तों, ये है गणपति विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त। आप जब चाहें तब गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं इस मुहूर्त के अनुसार। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।